जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी सोहेल भाई ने जब नरेट किया था मुझे, तो मुझे लगा कि ये कुछ स्पेशल होगा, क्योंकि सलमान भाई ने पहले ऐसी फिल्म की नहीं है जिसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं कमर्शियल एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, एक सोशल मैसेज है। तो मुझे पहले से ही लगा कि ये एक स्पेशल फिल्म होगी और मुझे इस फिल्म का एक हिस्सा बनना है। हम जैसे कि मैंने कहा, मैं शुरुआत में जब मैं वापस इंडिया आया था, मैं उनके साथ ट्रेनिंग करता था, लेकिन मैं पहले से ही काफ़ी मतलब हर स्पोर्ट में हिस्सा लेता था। मैं अपने स्कूल का स्कूल रग्बी कैप्टन था, हर टीम में मैं शामिल था, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, टेबल टेनिस हो, मैं हर स्पोर्ट में हिस्सा लेता था। सो आई वॉज वेरी एथलेटिक, बॉडी हमेशा मेरी ठीक ठाक रहती थी। जिम ज्वाइन करने के बाद ऑब्वियसली डोले शोरे बढ़ गए, और थोड़ी सी न्यूट्रिशन की टिप्स और खाने पीने पे ध्यान देना मैंने शुरू किया, और उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे। सोहेल भाई बहुत खुश है मेरे काम से, इनफैक्ट परसों ही मेरी बात हुई उनसे, और वो दुबई से लौटे थे, तो वो बहुत बहुत खुश थे। वो कह रहे थे कि आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ने मेरा इतना सपोर्ट किया, क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद डायरेक्ट कर रहे थे, कुछ 10-12 साल के बाद, और वो कम्फर्ट लेवल उनको भी चाहिए थी सेट पे, कि वो अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं इतने लंबे अरसे के बाद। सो ही वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी विथ माई वर्क। और शूट के दौरान उन्होंने मुझे एक बाइक प्रॉमिस की थी, सुजुकी एक बाइक है जो सलमान भाई इंडोर्स करते हैं, सुजुकी इनोजुमा, वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वो बाइक लॉन्च होती है, वो एक बाइक आपकी होगी, एक बाइक सलमान की होगी। मैं सोचता हूँ कि आर्टिस्ट को अपने आप को कभी लिमिट नहीं करना चाहिए, चाहे वो टेलीविज़न हो, थिएटर हो, फिल्म्स हो, या लैंग्वेज हो, दीज थिंग्स शुड नेवर बी अ बैरियर फॉर एन आर्टिस्ट। और मैंने हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश की है। बिग बॉस करने के बाद इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी, यू नो, पीपल वांटेड टू सी मोर ऑफ मी, द रियल मी, अश्मित पटेल को देखना चाहते थे, ना कि एक किरदार को। तो मैं और ये जब सुपर डूड मुझे ऑफर किया गया था, मुझे लगा कि बहुत अलग है, और मेरे फैंस जो है काफ़ी यूथ ओरिएंटेड फैंस है, तो मुझे लगा कि उनके साथ कनेक्ट करने का ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि UTV बिंदास एक यूथ चैनल है। सो आई टुक इट अप, एंड पहला सीज़न जो था बहुत ही सक्सेसफुल था। उसके बाद मैंने सीज़न 2 किया, लेकिन आई थिंक 2 सीज़न मेरे लिए काफ़ी है, और अब मैं कुछ और करने की सोच रहा हूँ टेलीविज़न पे, कुछ अलग। मैंने अभी तक फिक्शन नहीं किया है, तो मैं फिक्शन एक्सप्लोर करने की सोच रहा हूँ।